तो ये वो साइकिल है अभी भी इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है और कैसे ये है आप देख सकते हैं इसके हालात कैसे हैं, और ये एक पुराना सा टूटा सा पहले साइकिल इनके पास होता था और प्रभु यीशु मसीह ने आज इन्हें भुखता की आशीष दी है बाइक है और सब कुछ है किसी चीज की कमी नहीं परमिशन रखी परमिशन ने बहुत गलत किया है चमत्कार चर्च टीवी में आपका स्वागत है परमेश्वर के लोगों आज मैं एक ऐसे घर को दिखाना चाह रहा हूं आप इनकी सारी बातें सुनकर हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है और उसके तुल्य कोई है ही नहीं है क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर धूली में से उठाते हैं और पतवंतों में बिठाते हैं ऊंचाइयों पर लेकर जलते हैं तो इस परिवार को परमेश्वर ने कैसे उठाया आ, आज हम इस गांव में हैं गांव का नाम कालिया है और हमारे साथ जो हैं काला सिंह है और उनकी पत्नी और बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं अपनी भाषा में पंजाबी में बोल सकते हैं आप लोग तो प्रवेशम सी में आने से पहले आप कैसे थे मतलब घर के हालात कैसे थे बहुत ज़्यादा गरीबी थी मीह आता पानी बहुत ज्यादा कमर बाल्टिया बोत परेशान सी so, uh, जैसे है बहुत ज्यादा गरीबी थी और गर 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 हाँ। मजदूरी करने जाते थे मजदूरी करने जाते थे तो सैकल पर मजदूरी करने के लिए जाते थे मजदूरी मतलब दहाड़ी करते थे जैसे आम लोग करते दहाड़ी तो साइकिल पर मजदूरी करने जाते थे घर कच्चा था और जैसे बहन बता रही है कि अगर बरसात आ जाती थी तो बाल्टियाँ लेकर पहले पास में खड़े हो जाते थे क्योंकि बरसात का पानी अंदर चला जाता था मकान, 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 मकान के अंदर मकान, मकान, दिंदर, चल जाता तो मकान के अंदर पानी चला जाता था इतने नीचे मकान थे इनके और वो भी कच्चे थे तो इसलिए पहले ही बाल्टी वगैरह तैयार रखते हैं बरसात के अंदर और पानी बाहर निकालने के लिए इतना बुरा हाल था इतनी गरीबी थी ये जब छोटे ही थे दस साल के थे आप मुझे मालूम है आप बता रहे थे जब शादी हुई आपकी कितनी उम्र थी आपकी दस साल दस साल थी और ये तो उससे भी कम होगी है ना साल है ना तो दस साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई और फिर पढ़ाई भी नहीं कर पाई ये और बस मजदूरी करते एक पुराना साइकिल टुट्टा साइकिल जैसे कह देते हैं पुराना साइकिल है ना पुराना साइकिल अभी भी रखा हुआ है ना उन्हें तो पुराना साइकिल था और उससे मजदूरी करने के लिए जाते थे घर में कुछ नहीं था और फिर जो जब ये आए प्रभु में आए ठीक है प्रभु में आए हालांकि जब प्रभु में आए परमेश्वर ने इनके पापों को क्षमा किया सब कुछ ठीक था लेकिन ये मतलब कई जगह पर चर्च में जाते रहे मतलब एक जगह पर भी नहीं रहे कुछ दिन दूसरी चर्च पे इनके पापा थे और वो फिर दूसरी चर्च फिर दूसरी चर्च ऐसा करते करते रहे लेकिन आखिर में फिर वे ये चमत्कार चर्च में आए जब हमारे पास आए तो प्रभु का बहुत बड़ा इनका अनुग्रह हुआ ऐसा अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने अपने वादे को पूरा किया अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और उस गरीबी में से इन्हें बाहर निकालता मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो साइकिल भी टूटा हुआ साइकिल दिखाऊंगा और ये घर जो था कच्चा था और अब 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 दे आ, 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 दिखाना रमन घर दिखाना तो अब परेशु मसीह जी ने इनके घर को पक्का बना दिया है ना और आपको पा, जैसे वो मकान के ऊपर कपड़े टंगे हुए हैं ना धोकर सूखने के लिए डाल देते हैं जैसे गांव में तो ये घर गा, ये घर है अब ये पक्का है और इनके लिए ये बहुत बड़ा घर है और मैं आपको ये बताता हूँ तो जो इनके पास पहले पुराना साइकिल था परमेश्वर ने इन पर अनुग्रह किया और अब नया ट्रैक्टर है इनके पास है ना नया ट्रैक्टर परमिशन दिया बड़ा ट्रॉला दिया इसके पीछे ही अभी मैं आपको दिखाता हूँ और ये एक साथ में ट्राली दी और ये ये मतलब लकड़ी का काम आ, इनको अप, अपना खुद का काम ये करते हैं परमेश्वर इनके जीवन में काम किया तो ए, ये इनका ट्रैक्टर दिखाना तो परमेश्वर ने अपने वादों को पूरा किया परमेशन अपने वादों को पूरा किया इनके जीवन में तो परमेश्वर ने ये इन्हें दिया है ट्रैक्टर दिया है ट्रॉला दिया है और साथ में ये आ, ट्रॉली है हाँ इस साइड पे ट्रॉली भी दिखा देना तो परमेश्वर ने महान परमेश्वर ने इन्हें बढ़ाया परमेश्वर ने इन्हें ऊंचा किया है और प्रभु में आने से पहले कोई भूत बात तो नहीं था दुष्टात्मा कोई भूत बात नहीं, नहीं।, 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 नहीं। भूत बात नहीं था दुष्ट आत्मा नहीं थी नहीं। तो आप, आप परमेश्वर के पास तो अपने आपके पापा और मम्मी आप परमेश्वर को पाने के लिए आप मतलब चर्च में गए थे प्रभु को पाने के लिए परमेश्वर को पाने के लिए चर्चा को ये गए थे कोई दुष्ट आत्मा का को, कोई भी इनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं था और परमिशन ये घर और ये सब कुछ दिया है और इनके पशु हैं और अभी वो आपको मैं साइकिल भी दिखाता हूँ इनका जो पुराना साइकिल है और परमिशन ने ब्लेस किया और आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ परमेश्वर निश्चय आशीष देने वाले परमेश्वर हैं आज जब हम इस गांव में आए हुए हैं इनके घर आए हैं तो देखो आ, कैसे एक कच्चा कमरा और उसमें भी नीचे था उसके अंदर मिट्टी भी नहीं डाली हुई थी और वो पानी जब बरसात आती पानी से भर जाता और बहुत बुरा हाल होता था और कैसे आज पक्का मकान दिया और ट्रैक्टर दिया और ट्रॉला दिया ट्रॉली दी दि, सब काम पर आशीष दी परमेश्वर ने, ने ब्लस किया है सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वही परमेश्वर आपको भी आशीष करना चाहते हैं आप परमेश्वर के साथ बने रहिएगा परमेश्वर निश्चय आपको बढ़ाएंगे क्योंकि परमेश्वर का वादा है और वो वादा परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करना चाहते हैं सो परमेश्वर आपको आशीष करें ब्लेस करें आमेन तो ये वो साइकिल है अभी भी इन्होंने संभाल कर रखा हुआ है और कैसे ये है आप देख सकते हैं इसके हालात कैसे हैं और ये एक पुराना सा टूटा सा पहले साइकिल इनके पास होता था और प्रभु यीशु मसीह ने आज ने की दी है, है और सब कुछ है किसी चीज की कमी नहीं परमिशन ने रखी परमिशन ने बहुत ब्रश किया है और अब यहाँ से आप थोड़ा सा घर देख लो इसका पूरा आगे तक इधर पूरा पूरा घर है, है। परमिशन आपको आशीष करे